हेलो जुले तशी दुले एंड वेलकम बैक टू तजिन शाहन व्लॉग्स एंड होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। और आज का वीडियो एक कंप्लीट रिव्यू होने वाला है जो बैग मैंने अभी रिसेंटली लिया था अपने कैट के लिए, मिनी के लिए। तो वो बैग का मैंने अनबॉक्सिंग तो उसी दिन कर दिया था क्योंकि मेरा तबीयत उतना सही नहीं था और इसे मुझे यूज़ करते हुए काफ़ी समय हो चुका है, तो आपको एक कंप्लीट रिव्यू मिल जाएगा। तो इससे पहले कि हम रिव्यू शुरू करें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना और मैं आपको मिलता हूँ आप सीधे रिव्यू पर। ओके, सो गाइस सबसे पहला रीज़न इसको लेने का ये है कि मुझे दिखने में काफ़ी अच्छा लगा। और भी काफ़ी सारे बैग्स थे बट मैंने इसी को सेलेक्ट किया क्योंकि इसका लुक्स काफ़ी अच्छा है और इसमें मतलब साइज़ भी इसका मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि अगर ये और भी बड़ा भी हो गया तो मिनी तो वो भी आ जाएगा। अभी भी देख सकते हैं आप, तो इसको आपको मिनी का एंट्रेंस है, अभी भी इसको मतलब बहुत जागरूक होता है। तो इसका जो एंट्रेंस है वो इधर से होगा, जैसे कि आपको दिखा देता है यहाँ पे जिप है, डबल जिप है। अभी शायद खोलूँगा तो ये खुद अंदर घुस जाएगा, लेट्स सी। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो वो जिस तरह है इसका एंट्रेंस, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने खोला ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह का इसका एंट्रेंस है। और इसका मतलब आराम से मिनी का देख सकते हैं, वो यहाँ पे आराम से पूरा राउंड घूम सकती है, आराम से खड़ सकती है, बैठ सकती है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो सबसे पहले ये है कि मतलब काफ़ी क्या कहते हैं ओपन है ये, और यहाँ से पूरा ये ट्रांसपेरेंट, इसलिए इसको मतलब घुटन सा कुछ फील नहीं होगा। और जो इसका यहाँ पे नेट है तो ये यहाँ से ब्रीदेबल है। और दूसरी चीज़ भी है कि इसको ऊपर से भी पूरा ब्रीदेबल है, यहाँ से आपको अच्छा से दिखा रहा हूँ मैं। तो जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा होल्स हैं, तो ये पूरा यहाँ पे पूरा होल्स है यहाँ पे, ताकि ये पूरा ब्रीथ ले सके आराम से, कोई टेंशन ना हो इसे ब्रीथिंग के लिए, कोई सफोकेशन ना हो। एंड सेकंड थिंग इसका ये हैंडल है यहाँ पे। और एक और चीज़ इस बैग की ये अच्छी बात है कि जो इसका डायमेंशन है, ये हमको मतलब अगर आपको इसको ट्रेन में लेके जाना है या फिर आपको एयरपोर्ट में लेके जाना है, ये सब जगह अलाउड है, मतलब उसी डायमेंशन के हिसाब से इस बैग को बनाया है, तो वो काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो इसका जो लेंथ है 18 इंचेस है और हाइट शायद 12 इंचेस है, तो ये तो थोड़ा बहुत पैरामीटर्स है जो आपको मतलब उसके अंदर ही रहने चाहिए, तो ये आप इसको कैबिन बैग में लेके जा सकते हैं और वो भी मतलब स्पेसिफिक फ्लाइट्स में लेके जा सकते हैं आप। तो वो एक रीज़न है। तो अब इसको मैं बाहर निकालता हूँ और मैं अकेला आप इसको रिव्यू कर दूँगी, तो ये मुझे रिव्यू नहीं करने देगा, है ना मिनी। सो गाइस बड़ी मुश्किल से मैंने मिनी को इस रूम से बाहर निकाला है और उसको ये भी बैग बहुत पसंद आया, ये जो इसका क्या कहते हैं घर ही बोल सकते हैं आप, तो मतलब तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको पसंद भी आना चाहिए। अगर आपका कैट भी एनिमल को पसंद नहीं है, आपका पेट को अगर पसंद नहीं आए तो फिर इसका वर्थ इट नहीं है, राइट, जितना भी पैसा आप दे। तो वो एक सेकंड एक वो भी एक रीज़न है। और इसका एक और चीज़ ये है कि आप इसको देखो ऐसा करके हैंडल से पकड़ सकते हो, आराम से लेके जा सकते हो, राइट, हैंडल में ऐसा पकड़ के कहीं पर भी आप लेके जा सकते हो। और इसका पास एक स्ट्रैप भी है, हमारे पास लंबा स्ट्रैप है, देख सकते हैं आप, इस स्ट्रैप से आप क्या कर सकते हैं अपने कंधे पे लटका सकते हैं और आराम से जा सकते हैं, ठीक है, वो एक चीज़ है। और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है अगर आप इसको मतलब डिसमेंटल करेंगे, तो वो भी मैं करके आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के थोड़े बाद में। तो आप आपको दिखाता हूँ कि अंदर में क्या क्या है इसका, तो आपको मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर पे हमें मिलता है एक मैट मिलता है इसके अंदर में, और मिनी को उस मैट में आपको पता है कि कैट लोग को मतलब कुछ भी थोड़ा रफ सर्फेस में अपने नाखून चलाना काफ़ी पसंद है, तो इसीलिए क्या कहते हैं मिनी को भी बहुत काफ़ी पसंद है मैट, और वो हमेशा इस मैट में मतलब अपने नाखून कैसे कैसे करते हैं आपको पता होगा अगर आपके पास भी कैट्स है। तो इस मैट को आप इस तरह निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत डर्टी हो चुका है क्योंकि काफ़ी दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ आउटडोर्स में भी, तो मतलब इसको ऐसा ऐसा करती है उसको काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर ये गंदा भी हो गया तो इसको हम बाहर निकाल के साफ़ कर सकते हैं, वो एक प्लस पॉइंट है। और अंदर में कुछ इस तरह है, एंड इस मैट का आप वापस ऐसा करके आराम से रख सकते हैं अंदर पर, ठीक है ना। और जो इसका मतलब वेट है इस बैग का काफ़ी कम है, इसका वेट भी मतलब बाद में मैं मेजर करके आपको दिखा दूंगा। और इसका नीचे मैं आपको दिखाएंगा, तो ये है ये चार मतलब पांच इसका वो है ताकि ये ज़मीन पर रहे आराम से रहे, तो ये है। और इसका कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा ब्लू कलर का, और जो इसका ये चीज़ मैं बोल रहा था आपको जहाँ से ये ब्रीथ कर सकता है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मेन चीज़ है कि मिनी को ये पसंद है और इसको मैं मिनी को लेकर लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल भी चलाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब वेट के दुकान थोड़ा नज़दीक ही था, मतलब लगभग 2-3 किलोमीटर था, और हमने सोचा कि यार थोड़ा वॉकिंग करके जाता हूँ। और मिनी को इस पर लेके गया तो उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, और अभी तक उसने इसमें सपोर्ट ही नहीं किया, वो हमेशा बारी करती है, तो अच्छी बात है। और
इसको अभी हम डिसमेंटल करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। Let's go, baby. Let's go. She's a good girl. She is a good girl. To the safe zone. Mini. Yes, we got it hooked. Now we have to do this. So, mini, do. Bad boys, what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do when they come for you? Mini, whoosh, whoosh, whoosh. Look at that, she's gonna roll. Yes, she's loving it. Mini is loving it. Mini. Mini shot. Hey, shot. Thak gaya re. Even I'm tired, guys. Ab isko main jo iska marzi karne deta hu. Main bhi thoda rest leta hu. Right, Mini. सो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था इस बैग के ऊपर और ये एक पूरा रिव्यू था मेरा। और अगर आपको ये बैग पसंद आया और आप भी अपने पेट के लिए खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगा। एंड रिसेंटली मैंने GoPro लिया था और उसका भी मैंने एक अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था, अगर आपको वीडियो देखना है तो आप वो इधर देख सकते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले मज़ेदार वीडियो पे, और मैं इस वीडियो से अभी विदा लेता हूँ। तो हैव ए गुड डे, अडियोस अमिगोस।